ये आप कहते होंगे, अमीश देवगन कहते होंगे, रूबिका लियाकत कहती होंगी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज जनता यही पूछ रही है, आप तो झूठ की खबर चला रहे हैं, आप चला रहे हैं, पठान बिकनी चल रही है देश में। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ? आप गए पूछने देश के प्रधानमंत्री से आपने क्यों कहा था? लेकिन कुछ लोग अंधभक्त पठान की मूवी का कि ये कौन है, कौन क्या पहना है, इसका विरोध कर रहे हैं। जी साध्वी प्रज्ञा ने बोला है कि चक्कू छुरियां तेज करा लो। मैं कहता हूं साध्वी प्रज्ञा जी से पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं या सांसद हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप गरीब बच्चों के हाथों में आप चाकू और छुरियां देना चाहते हैं या आप गरीब बच्चों के हाथों में ये कलम देना चाहते हैं? सबसे पहले आप पत्रकार लोग ये तय कर लीजिए कि इस देश में सवाल क्या होना चाहिए, इस देश में जनता का मुद्दा क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने वायदे बहुत सारे किए थे देश की जनता के सामने, वो वायदा पूरा हुआ या नहीं हुआ सवाल वो होना चाहिए। लेकिन आप लोग सवाल ले आएंगे पठान का मुद्दा, सवाल ले आएंगे बिकनी का मुद्दा, सवाल ले आएंगे आप इस वक्त देश में साध्वी प्रज्ञा ने क्या बयान दिया। आज देश के मुद्दा बिकनी नहीं है, देश का मुद्दा पठान नहीं है। कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, उसके ताक झांक करने की ये ओछी राजनीति है। जिन भक्तों को ये दिखाई देता है कि पठान और ये मुद्दा होना चाहिए, आप उनसे जाके सवाल पूछिए जो नाम के संत का काम क्या होता है। संत का काम होता है देश जनता को मार्गदर्शन देना, अपने लोगों को मार्गदर्शन देना। लेकिन संत क्या काम करता है? संत सत्ता पे बैठने का काम करता है। आज देश में ऐसे मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, आखिर युवाओं को रोजगार मिला? बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, आखिर महिलाओं को सम्मान मिला? ये आप नहीं पूछेंगे, ये स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछेगी। आज ये पूछेंगे कि पठान का मुद्दा देश में उन्होंने बिकनी क्यों पहना, इस कलर का क्यों पहना, भावना क्यों आहत हुई। मैं कहता हूं मैं ऐसे ब्राह्मण परिवार से मैं भी आता हूं, मेरे लिए भी धर्म सर्वोपरि है, लेकिन देश सबसे पहले सर पर है। जिन लोगों को धर्म की भावना की आहत होती है वो ना देखें, जो लोग देख के तभी तो पता चला उसमें बिकनी भगवा है या क्या है, तभी पता चला ना, नहीं पता चलता ना। तो साध्वी प्रज्ञा से पूछिए आप ऐसी मूवियों को क्यों देखने जाते हैं, जो मुझे पसंद नहीं हो मत देखे, जिसको पसंद है वो देखेगा ना। आप पूरे देश में लगाम तो नहीं लगा सकते ना, आप हमारी शब्दों पे लगाम लगाने आए, आप देश की जनता की कलम पे लगाम लगाने आए, आप सभी लोगों के ऊपर लगाम लगाते जा रहे हैं। आप कोई सवाल ना पूछे, कोई देश के प्रधानमंत्री के जो सवाल का जवाब ना दे जो उन्होंने वायदे किए थे, तो ये नहीं हो सकता। आप देश का युवा सवाल पूछेगा, देश का युवा जमीनी मुद्दों पर बात करेगा। मैंने पूरे देश के कई भारत यात्रा में मैंने कई राज्यों से गुजरते हुए आए, पूरे देश में लोग नफरत की आग में देश को झोंकना चाहते हैं, लेकिन हम उस नफरत से देश को बचाना चाहते हैं, देश को प्यार सौहार्द के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। जो लोग राम के नाम पे आए थे उन्होंने राम के नाम को बेचने का काम किया, जो लोग राम के नाम पे देश को चलाना चाहते थे उन्होंने राम को नाम को नहीं छोड़ा, उन्होंने ना गीता को छोड़ा, ना कुरान को छोड़ा, ना बाइबिल को छोड़ा, अपनी सत्ता को पाने के लिए सभी ऐसे हथकंडों को उन्होंने अपनाने का काम किया। तो ये ऐसी पत्रकारिता मत कीजिए जो देश के लिए हानिकारक हो, और भारतीय जनता पार्टी वही राजनीति करना चाहती है। हम ऐसी राजनीति का बहिष्कार करते हैं और देश में ऐसी राजनीति का उद्गम होना चाहिए जो देश में सुख शांति और समृद्धि की बात करे, ना कि पठान और दीपिका पादुकोण के बिकनी की बात करे। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और देश में अगर भाजपा है तो हिंदू सुरक्षित है। ये आप कहते होंगे, अमीश देवगन कहते होंगे, रूबिका लियाकत कहती होंगी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी जनता है, जनता जो कहता है करती है वो पार्टी सत्ता में आती है। आज जनता को आपने नदारद करने का काम किया। आज 2022 के अंतिम पड़ाव पे हम खड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वायदे किए थे, उनके वायदों को आप सवाल नहीं पूछेंगे। जो कहते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, कर्नाटक में किसान अपनी प्याज को 2 रुपए बेचने को तैयार है, और आप वो भी मुद्दा ले आते हैं बिकनी, कौन सा मुद्दा है? आप बिकनी का मुद्दा ले आएंगे हर किसी में, लालजी चड्ढा का मुद्दा ले आएंगे, पठान का मुद्दा ले आएंगे, जय श्री राम का मुद्दा ले आएंगे। अरे भगवान आस्था का प्रतीक है, भगवान कोई व्यापार नहीं है। मैं तिलक लगा के व्यापार नहीं करना है हमें, हमें देश की जनता के साथ होके, देश की जनता के जमीनी मुद्दों को उठा के। आज सबके घर में कहां राशन है, सबके घर में गैस सिलेंडर महंगा है, और स्मृति ईरानी जी आए दिन बयान देती आती है, आज महंगाई नहीं दिखाई दे रही। आज देश की जनता पूछना चाहती है कि महंगाई की मार जब आलू बैगन भाटा लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग
जब बैठा करते थे तब उन मुद्दों को इनको नहीं पूछना चाहिए था, वो मुद्दे तब इन्होंने नहीं पूछे, तब उनको सत्ता में आना था, सत्ता में आ गई तो आंदोलन नहीं होता है। तो अब देश की जनता आंदोलन करेगी, आप जैसे पत्रकारों के खिलाफ भी अब जिस देश में आंदोलन होगा। आपने देश के मुद्दों को नहीं दिखाया है, आपने देश की राजनीति में छल किया है, आपने देश की सरकार की गुलामी की है, और गुलामी ज्यादा दिन नहीं कायम रहती है, गुलामी छत्ता से बेदखल करने का काम करती है, और आप लोगों से भी पत्रकारिता के खींच छीना जाएगा, क्योंकि आपने देश की जनता की आवाज को नहीं सुनाया, देश की जनता के हकों की बात नहीं आपने दिलाने का काम किया है। आपने मुद्दा दिया है पठान बिकनी, ये राम जैसे राम तलवार चाकू छुरी, आपने देश की जनता को कलम नहीं दिया। मोदी विश्व में मोदी जी ने देश में लंका लगा दिया है, सत्यानाश कर दिया है। आप बताइए रूबिका लियाकत है, जो एक ट्वीट आता है तुरंत ट्वीट लेके बैठ जाती हैं। मोदी जी के खिलाफ आपने क्यों बोला, वो पत्रकारिता कर रही हैं। इस समय अमित देवगन का जाके देखिए, कोई भी चलेगा, देश का हिंदू खतरे में है, देश का हिंदू आर्जनी कर रहा है, देश के हिंदुओं बचो, देश के मुसलमान मुसलमान खतरा है देश के लिए। अरे भारत सभी का देश है, और सभी के साथ एक खड़े होके हमें अपने देश को बचाना है। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। आप जैसे पत्रकारों को सद्बुद्धि दे भगवान, नहीं देव नहीं, आप जैसे पत्रकारों, आप जैसे कौन सुरक्षित देश में हाथ रस में मोदी है तो मुमकिन है। देखिए आप जैसे लोग मुमकिन बनाए हुए हैं, तभी को कहते हैं आप जैसे पत्रकारों को भी जो गिद्ध जैसे खबर मिल जाती है और वही खबर चलाना चालू कर देते हैं, जो आपको खबर टीआरपी देगी वही खबर चलाएंगे आप। देश की जनता अगर आपको आवाज के जरिए अपने आवाज को उठाने का काम कर रही है तो वो नहीं दिखाएंगे। आज यही हाल है कि जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है, वो बिक चुकी है। आज जनता खोज रही है पत्रकार कहां से सच खबर ला रहे हैं, आज जनता यही पूछ रही है। आप तो झूठ की खबर चला रहे हैं, आप चला रहे हैं, पठान बिकनी चल रही है देश में, हैं यही चला रहे हैं आप, मतलब नहीं आप बताइए यही चलाना चाह रहे हैं, नहीं यही चलाना चाह रहे हैं आप, तो ये मत चलाइए। देश में किसानों की बात करिए, युवाओं की बात करिए, महिलाओं की बात करिए, देश में एकता की बात करिए, देश में सौहार्द की बात करिए, देश में शिक्षा की बात करिए, लेकिन आप ये मुद्दा चलाएंगे। मैं पत्रकार से भी कह देना चाहता हूँ, मैं खड़ा वही होता हूँ जहाँ सच की बात होगी। और कौन सी नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में कितने छात्रों को आप मैडम क्या की हुई हैं, पत्रकारिता की हुई हैं, आपको स्ट्रीम मीडिया में जगह मिली, आज माइक लेके आप भटक रही हैं, आप देखिए मोबाइल लेके आप चल रहे हैं। अगर आपके शिक्षा की अहमियत होती, अगर आपके योग्यता की अहमियत होती तो आज आप कहां बैठे होगे, जो लोग दलाल पत्रकार बैठे हुए हैं वहां पे आप बैठे होते, क्योंकि आप लोग भी अगर चाटुकारिता नहीं सरकार करने दी तो आप यहां बैठे हुए हैं। तो जनता क्या चाहती है, जनता बेसिक मुद्दों पे बात करना चाहती है, जनता महंगाई पे बात करना चाहती है, जनता विकास पे बात करना चाहती है, जनता देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी हमें सवाल पूछना हक है। अगर ऐसे लोग लगातार बदनाम करते पीएम मोदी को, नहीं देखिए आएगा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम जैसे जनता हैं, जनता को आवाज पूछने का हक है। देश के प्रधानमंत्री ही ने कहा था बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, आप उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, बेरोजगारी तक देखिए, मैं डेटा के अनुसार, आप सीएमआई रिपोर्ट उठाइए, रूरल अर्बन की बात करिए, आप हंगर इंडेक्स उठाइए, भारत आज कौन से स्थान पे है। मैं बस यही, क्योंकि एक देश की जनता हूं इसलिए मैं सवाल पूछता हूं। आप उठाइए कोई भी एजुकेशन, आप बताइए रेलवे की बात करिए, आप रेलवे में कितने, आज गैस की बात करिए, चारों तरफ आप सभी मुद्दों को उठाइए और सभी मुद्दों पर बात करिए। देखिए कौन पूछता था, देखिए वही मैं कहता हूँ ना, आप कौन, अब आप भी तो आप नहीं पूछ रहे हैं, आप सरकार से नहीं पूछ रहे हैं, आप जनता की आवाज को सरकार से नहीं पूछ रहे हैं कि आप मोदी जी ने आपने ये बयान दिया था, आपने ये कहा था, आप बताइए देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ, आप गए पूछने देश के प्रधानमंत्री से आपने क्यों कहा था। लेकिन कुछ लोग अंधभक्त पठान की मूवी का कि ये कौन है, कौन क्या पहना है, इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये मुद्दा नहीं है। रंग भेद, जाति, भाषा, मजहब, प्रांत, मैं कई ऐसे देश के कई राज्यों से गुजरते हुए आया हूं जहां आप हिंदी भाषी में चले जाएंगे उनको हिंदी नहीं समझ आती, आप तमिलनाडु चले जाइए, केरला चले जाइए, जिस कर्नाटक का हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भुनाया गया वहां कर्नाटक के लोग हिंदी कम समझते हैं, वहां तो नहीं, वहां कन्नड़ लैंग्वेज चलती है, लेकिन देश की जनता को समझाया क्या गया, आप बताइए देश की जनता को समझाया क्या गया, आप छह लैंग्वेज देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बोल पाएंगे, ना कन्नड़ बोल रहा है, ना मलयालम, ना तमिल, ना तेलुगु, नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वहां का मुद्दा यहाँ देश की जनता के साथ बुनाया गया।
तो आप भ्रांति मत फैलाइए, आप देश की जनता की असल मुद्दे अब चाहती है, देश ऐसे उजूल विजूल के मुद्दे नहीं चाहती है। अब हम मुद्दों पे सवाल पूछेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, हमें ये जैसे मुद्दा रंग का, ये कौन है कौन क्या है, और ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए जो लोग इस देश के युवाओं को कहते हैं चाकू छुरी रखिए, आप कलम दबात मत रखिए, आप अपनी आवाज पहनी मत करिए, वो लोग मैं कहता हूँ बीसीसीआई का बिल्कुल विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे सड़क पे उतर। अरे देखिए जीत के आई जनता को उन्होंने गुमराह किया, विरोध करेंगे, अगली बार 2024 में चुनाव आ रहा है, पता चल जाएगा कितना जनता का जनादेश है, क्यों नहीं विरोध करेंगे, आते हुए आए हैं, अगर गलत का विरोध करते हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी किसी का पक्षधर नहीं है, हम एक आम जनता है, ना मैं किसी पार्टी से हूं, मैं गलत का विरोध हमेशा करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि गलत हमारे देश के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, संसद पहुंचाए उनको चुनकर, जिनके बारे में आप साध्वी के बारे में बोल रहे हो। देखिए देश की जनता ने नहीं, नफरत की राजनीति ने उनको पहुंचाया, जो लोग हिंदू मुसलमान को बांट के राजनीतिक सत्ता पाना चाहते हैं उनको उन्होंने सत्ता में बैठाया। सत्ता में अगर अच्छे लोग बैठेंगे तो अच्छी राजनीति का उद्यम होगा, इसीलिए पूरे देश में हम चल रहे हैं और देश के लोगों को ये जन जन तक बता रहे हैं कि आप कोई भी सरकार को सत्ता में लाइए जो सरकार आपके हित की बात करे, जो नहीं, देखिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी मेरे लिए नहीं है, मैं राजनीतिक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो जनता के लिए बेहतर होगा 2024 के चुनाव में वो जनता तय कर देगी कि आखिर किसकी सरकार होगी, और 2022 का ये अंतिम पड़ाव आने वाले समय में ये तय कर देगा कि अब देश में जनतंत्र की सरकार होगी, लोकतंत्र की सरकार होगी, ना कि तानाशाही की, ना कि पूंजीपतियों की, ऐसी सरकार नहीं होगी।